कबड्डी के सितारे और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कबड्डी खिलाड़ी मनजीत छिल्लर ने इनामी राशि मांगने पर बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि एक खिलाड़ी पूरी उम्र देश के लिए खेलता है और वो भी कभी गलत नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा के हैं और हरियाणा उनके रग रग में बसा है। साथ ही बता दें कि वो बहादुरगढ़ में शाइनिंग स्टार फिटनेस सेंटर के उद्घाटन पर पहुंचे थे। गौरतलब है कि मनजीत छिल्लर और राकेश से हरियाणा सरकार के खेल मंत्रालय ने डोमिसाइल विवाद के चलते इनामी राशि वापिस करने के लिए नोटिस दिया था। 2014 के एशियाई खेलों की कबड्डी में गोल्ड जीतने पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा के हर खिलाड़ी को 2-2 करोड़ की इनामी राशि दी थी। मैं अपने हरियाणा के साथ भी खेल लूँगा, हरियाणा से भी खेल लूँगा, रेलवे में मैं डिपार्टमेंट में हूँ, रेलवे से भी खेल लूँगा। अगर हरियाणा सरकार मेरे को जॉब देती है तो मैं हरियाणा सरकार में जाके मैं सेवा करूँगा अपने हरियाणा की, और खेलता रहूँगा जब तक मेरे पैरों में दम है।